आज विधायक दल की बैठक में हम सब ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में यही तय किया जो हमारा स्टैंड कल था, अर्थात हम सदन में जाएंगे, काली पट्टी बांध के बैठेंगे और अपने प्रश्न नहीं पूछेंगे। अध्यक्ष जी से चर्चा अन्य प्रतिपक्ष के नेता के साथ हुई है। हमने आग्रह किया कि चूंकि प्रश्न सदन की प्रॉपर्टी है, इसीलिए सदन में जिसका प्रश्न लगता है उसके अलावा भी बाकी सदन में से भी वो निर्णय तय वो करें कि एक को पूछने दें, दो को पूछने दें, लेकिन बाकी सदस्यों का भी इन्वॉल्वमेंट हो। यदि बाकी सदस्य नहीं पूछ सकते तो हाउस में फिर उनके आने का कोई औचित्य नहीं होता और प्रश्न सदन की संपत्ति है ये कहीं झलकता नहीं है। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम इस विरोध को इसी रूप में जारी रखेंगे। सूचना का अधिकार जो है उसमें संशोधन का विधेयक लाया गया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राजस्थान से सूचना का अधिकार देश में सबसे पहले आया था, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के कारण छेड़छाड़ करना चाहती है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट जी भाई साहब। कांग्रेस का कभी भी राइट टू इंफॉर्मेशन में बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रहा। कई अपने राजस्थान के अंदर लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगते रह जाते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब जो केंद्र ने संशोधन किया है निश्चित रूप से उसको व्यवस्थित करने के लिए किया है और यह आज जनहित में आवश्यक है। अब इसके लिए कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी करना, हाँ मैं आऊंगा, पूरा बोलूंगा, इनकी पोल खोलूंगा, सब बोलेंगे। बोलूंगा ना, बोलूंगा भाई, बोलूंगा आकर के। मेरा क्वेश्चन है अभी, बड़ा इस पे विपक्षारोप लगा रहा है। अरे मेरा क्वेश्चन है उसके निपटने के बाद से माननीय मंत्री जी शांति धारीवाल ने उत्तर दिया और विशेष रूप से गाय के बारे में और हिंदुत्व के बारे में वह निंदनीय है। देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। गाय को केवल एक जानवर कहना यह करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। गाय भारत के अंदर एक माता के रूप में पूजनीय है, हम सब लोग उसकी पूजा करते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से करें कि न करें यह अलग विषय है, लेकिन भावनाओं इस प्रकार का उत्तर देना और साथ में जो कोई रेफरेंस दिया गया वह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, उसका कहीं इसके साथ संबंध ही नहीं है। और वीर सावरकर जो कोट करना और हिंदुत्व की बात करना यह केवल एक अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण करने का द्योतक है। इस प्रकार का तुष्टिकरण करके और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का अनादर करना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उसका मखौल उड़ाना और एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस संदर्भ में नहीं लिखा, उस संदर्भ को मिसकोट किया है, लेकिन फिर भी उसे किसी एक व्यक्ति ने कुछ लिखा हो वही केवल एक सब कुछ हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। अब यूं तो पता नहीं गांधी जी के बारे में क्या क्या लिखा है, यदि उसके बारे में चर्चा करेंगे तो अर्थ के अनर्थ होंगे। यानी किसी एक व्यक्ति की चर्चा करते हुए अरबों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना यह अनुचित है। पहली बात तो लिखा किस संदर्भ में लिखा, जब तक पुस्तक नहीं देखी जाए और क्या संदर्भ है तब जाकर के कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। केवल बीच के एक लाइन आप बोल लो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। गाय माता के रूप में पढ़ाया जाता है, माता के रूप में समझी जाती है, लेकिन कांग्रेस इसको जानवर मानती है। यह इस प्रकार की भावना सदन में कहना, एक जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में, जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा कहना निश्चित रूप से ये अनुचित है, निंदनीय है, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। गाय के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्या हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से मॉब लिंचिंग अनुचित है, नहीं की जानी चाहिए। समाज में विरोध हो सकता है, असहमति हो सकती है, लेकिन उसका इस हद तक जाना अनुचित, कानून अपना काम करे और कानून के द्वारा ही इसका विरोध किया जाना चाहिए।